हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू अनबॉक्सिंग वीडियो। तो गाइस, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं हाइलाइटर के वाइट स्नीकर जो कि मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किए थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, इस बॉक्स के अंदर है हमारे शूज़। तो ये बॉक्स हमें ये ब्रांडिंग मिल जाती है हाइलाइटर की, और साइड पर भी यहाँ पर भी ब्रांडिंग दी हुई है, एंड यहाँ पर प्राइस डिटेल्स एंड कुछ और डिटेल्स दी हुई हैं साइड पर। तो जो बॉक्स की क्वालिटी है वो बस ठीक है, कुछ खास नहीं है, बस ठीक है। तो गाइस, जब मैं इन्हें बाई कर रहा था तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग से लग रहे थे, तो मैंने इन्हें मंगा लिया। अब हम इनको अनबॉक्स करके देखते हैं और देखते हैं कि कैसे और इनकी क्वालिटी कैसी है। अनबॉक्स करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गाइस, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, बॉक्स के अंदर हमको मिलता है ये हार्ड एंगल का रैपर, एंड ये लेफ्ट पैर, एंड ये राइट पैर। और बॉक्स मिलता है, ये कुछ डिटेल्स मिलती है, एंड ये बिल है। तो गाइस, इसकी प्राइस मैं आपको बाद में बताऊंगा लास्ट में। तो गाइस, ये रही शूज। तो गाइस, बॉक्स को रखते साइड में और शूज को देखते हैं कि कैसे है। तो बात करते हैं डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो एकदम क्लासिक डिज़ाइन है जो स्नीकर्स को बहुत ही अच्छा बनाती है, एंड मटेरियल बहुत ही अच्छा है इसका। एंड यहाँ पे ये पैचेस मिल जाते हैं जो कि स्नीकर्स को बहुत ही अच्छा बनाते हैं। इनके साइड सोल पे भी स्ट्रेचिंग मिल जाती है जो कि इन स्नीकर्स को ड्यूरेबल बनाती है। एंड गाइस, बहुत ही अच्छे शूज़ हैं ये। इसे मटेरियल बहुत अच्छा यूज़ किया गया है एंड काफ़ी ड्यूरेबल है, देखने में ही लग रहा है। अब बात करें हम इसके अपर मटेरियल में, तो इसके अपर मटेरियल में सिंथेटिक लेदर यूज़ किया गया है जो कि बहुत ही अच्छा होता है और ड्यूरेबल भी होता है। एंड बात करें इसके सोल की, तो इसमें रबड़ यूज़ किया गया है जो कि बहुत ही अच्छा है। एंड ये बैक सोल आपको ग्रिपिंग के लिए लाइन मिल जाती है जिसको दबाने से थोड़ी दब जाती है। इस ओवरऑल क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है। बात करें इसके लेसेस की, तो लेसेस भी बहुत ही अच्छी दी हुई हैं इसमें। एंड इसके फ्रंट में ये स्ट्रिप मिलेगी जो कि शूज़ को और भी ड्यूरेबल बनाती है एंड देखने में बहुत अच्छा लगती है। एंड इसके बैक में भी ये छोटी सी स्ट्रिप लगी हुई है। गाइस, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है शूज़ की और ड्यूरेबल भी हैं ये। ओवरऑल शूज़ का मटेरियल पूरे रबर जैसा है जो कि बहुत ही अच्छा है, एंड इसका स्ट्रेच करने पर स्ट्रेच हो जाता है एंड रिंकल्स बनते हैं, फिर बाद में ठीक भी हो जाते हैं। आप देख सकते हो ये बस यहाँ से स्ट्रैप हो रहा है, यहाँ से बिल्कुल नहीं हो रहा है, यहाँ पर थोड़ी हार्ड है, यहाँ से स्ट्रेच हो रहा है यहाँ से। गाइस, बाहर से इन स्नीकर्स में कहीं से कोई ब्रांडिंग नहीं दी हुई है, बट अंदर से यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांडिंग दी हुई है यहाँ पे हाइलाइटर। गाइस, अब स्नीकर को रखते हैं साइड में और अब इसकी प्राइस के बारे में देख लेते हैं कि मुझे कितने के पड़े और इनकी MRP कितनी है। तो गाइस, इनकी MRP है 1990 एंड मुझे मिले हैं ये 995 मिले हैं। तो गाइस, इस प्राइस रेंज में ये बहुत ही बढ़िया स्नीकर्स हैं, और जिसको भी वाइट स्नीकर लेने हैं तो वो ले सकता है। और इनकी प्राइस ये ना ये डिस्काउंट के हिसाब से कम बढ़ हो सकती है, तो अभी तो मुझे 995 में पड़े हैं। और तो गाइस, अब हम इन स्नीकर्स को अच्छे से देख लेते हैं इनकी क्वालिटी। गाइस, मुझे तो स्नीकर बहुत ही अच्छे लगे, अगर आपको लेना चाह अगर आप लेना चाहते हैं तो आप। तो गाइस, मुझे तो इस प्राइस रेंज में स्नीकर बहुत ही अच्छे लगे, अगर आप इनको परचेस करना चाहते हैं तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप मेरे लिंक से इन्हें खरीद सकते हो। एंड इस प्राइस में ये बेस्ट शूज़ हैं, तो आप ले सकते हो इनको। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।